ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर एक दिन ऐसे बात आई तो मम्मा ने कहा कि देखो तुम कभी भी झूठ नहीं बोलना, लाइफ में एक सच्चाई का गुण धारण कर लो। अगर सच्चाई है तो सफाई भी है, और सफाई भी है तो ईमानदारी भी है। तो एक जो है अनेक गुणों को ले आएगी तो खुश रहेंगी, और झूठ बोलने वाले को तो बहुत बातें सोचनी पड़ती है, वो यही भूल जाएगा, उसको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा झूठ बोला था, तो दोबारा वही बोले जो बात न बदल जाए। तो झूठ को याद करेंगे या शिव बाबा को याद करेंगे, तो कभी भी निडर हो करके सच्चाई कर देनी है, ये ना सोचना डर के मारे कि झूठ बोल दें। तो ये तुम अपनी लाइफ में एक धारण कर लो, कभी भी पक्का करो झूठ नहीं बोलना है। तो मम्मा का जो कहना होता था वो दिल के अंदर ऐसा उतर जाता था कि मुझे कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पक्का हो गया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो एक बार क्या हुआ कि समय पर झूठ बोलना पड़ा मुझे। वो क्यों बोलना पड़ा, जब मैं कानपुर में आई तो यहाँ से दिल्ली से एक ट्रेन चलती थी, अपर इंडिया गाड़ी, वो कलकत्ता सीधा जाती थी, और कलकत्ता से चलती थी वो दिल्ली जाती थी। आने और जाने का टाइम कानपुर में सेम था, एक प्लेटफॉर्म पे जाने वाली खड़ी है तो दूसरा कलकत्ता से आने वाली खड़ी है। कभी कभी तो मुसाफिरों को धोखा हो जाता था, अपर इंडिया में बैठना कुली बिठा देता था। तो वहाँ पे क्या था, कलकत्ता से जो अपनी दादी है ना, उनकी मदर जा रही थी कलकत्ता से मधुबन, दिल्ली से ट्रेन बदलना था। तो रास्ते में कानपुर से लेके दिल्ली तक कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जहाँ भोजन मिल सके। तो 4 बजे सवेरे मुझे भोजन लेके जाना था उनके लिए। तो आप सोचिए, उस ज़माने में गैस चूल्हा नहीं था, पत्थर के कोयले सिगड़ी में जलाए जाते थे, जिनको हैमर से तोड़ तोड़ के जलाना है, फिर जब वो अंगीठी खुली पक जाती जल जाता है तब भोजन बनाना। इतना करने के बाद हम 4 बजे, कोई व्हीकल नहीं था तो आश्रम से दूर जा कर के जो रिक्शा मिलती थी बड़े चौराहे तक जाते थे, फिर वहाँ रिक्शा किया और 4 बजे मुझे प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाना है टिकट लेके। तो जब 4 बजे पहुँचे, 5 मिनट बाद गाड़ी आ गई। जब भोजन का टिफ़िन मैंने पकड़ाया तो कहा कि विद्या लाई हो, तो एकदम मेरे को क्लिक हो गया कि अगर मैं कहती हूँ नहीं तो भोजन लौटा देंगी, तो जो 2 बजे से उठ करके मैंने मेहनत की वो जाएगी बेकार, और दादी भूखी जाएंगी दिल्ली तक, कोई जगह नहीं जहाँ से भोजन लें, और सर्दी का दिन था। तो मैंने बिना कुछ सोचे बिना समझे हाजिर जवाब जी भोग लगाया है, और लगाया नहीं था तो उनको भी लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे लगा के लाई हो, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बोली, सच बताओ तुमने लगाया है? मैंने कहा सच कहती हूँ, मैंने लगाया है, पक्का मैं खाऊं भोजन? मैंने कहा आप खाइए, निश्चिंत होके खाइए, मैंने भोग लगाया है। और मैंने भोग लगाया नहीं था, लेकिन उसके बाद से हमें इतना फ़ायदा हुआ उस झूठ से कि आज कभी भी किसी के लिए भी मुसाफिरी में जाना है, किसको स्टेशन भोजन देना है या कुछ भी है, तो पक्का बनाते जाओ और बाबा की थाली में निकालते 5 मिनट बाबा को भोग लगा के फिर मुझे देना है। तो वो दिन है कि आज का दिन है, कुछ भी बना, चाहे बीच में कोई टोली भी बनती है, सब बाबा को भोग लगाते हैं, और लगाने के बाद ही वो स्वीकार होता है। तो वो झूठ ने हमारे को इतना पक्का करा दिया कि उसके बाद मुझे हर काम एक्यूरेट करना, कभी झूठ नहीं बोला, वो मजबूरी में बोला मैंने। लेकिन जो मम्मा ने बताया था, सिखाया था, तो मम्मा का रूप ही सब कुछ सिखाने का था।